कैसे हो भाई लोग, आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की जो रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है वो भारतीय डाक के विभाग की तरफ से। मुझे पता है आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने इस पोस्ट को देखा होगा कहीं ना कहीं वीडियो, लेकिन आज मैं जो आपको बातें बताने वाला हूँ उस पर गौर करिएगा। और अगर आप उस तरह से फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, भले ही आपके परसेंटेज कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, इंडियन पोस्ट वैकेंसी 2023 ओवरव्यू है। इसमें आनी थी टोटल 1,00,000 वैकेंसी, लेकिन आई है सिर्फ 40,889 पोस्ट। ठीक है, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, तो ऑल इंडिया में आप कहीं भी पोस्ट किया जा सकते हो। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो 27 से स्टार्ट हो गई है। सिलेक्शन कैसे होगा, मेरिट बेस्ड पर होगा, लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका नाम मेरिट में आएगा। उसके बाद मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो स्टार्टिंग डेट 27 को मैंने पहले ही बता दिया, लास्ट डेट 16 की है। लेकिन आप 16 तक वेट मत करना, जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप कर देना, क्योंकि इसका सर्वर डाउन होने वाला है। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 40 साल एज लिमिट इसकी रखी गई है। अब आप बात करोगे एप्लीकेशन फीस, तो वेरी नॉमिनल इसकी फीस है। यूआर और ओबीसी की 100 रुपये है, एसटीएससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 1 रुपये भी ये नहीं ले रहे हैं। दैट्स वेल एंड गुड, आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा, अगर आपके परसेंटेज 75 से ऊपर हैं तो। इंडियन पोस्ट जीडीसी रिक्रूटमेंट 2023 के एलिजिबिलिटी क्या है, तो सिंपल आप 10th बेस पास होनी चाहिए इंडिया के किसी भी स्कूल से, किसी भी हायर सेकेंडरी स्कूल से। उसके बाद कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें 10th के मार्क्स, 10th के परसेंटेज या 10th के CGPA के अनुसार आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जानी है, और आप जो भी पोस्ट प्रेफरेंस दोगे उसके हिसाब से आपको आपका होम पोस्ट मिल जाने का है। अब मैं अगर बात करूं कि कितनी टोटल पोस्टें हैं और किस स्टेट में कितनी ज़्यादा पोस्टें हैं, तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात बोलूं तो वहां 7,000 पोस्ट हैं। उसके बाद उत्तराखंड में 889, बिहार में 1461, छत्तीसगढ़ में 1593 पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। दिल्ली में मात्र 46, राजस्थान में 1684, हरियाणा में 354, हिमाचल प्रदेश में 603 और जम्मू एंड कश्मीर में 300। तो आप इनमें से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो अपनी पोस्ट को देखकर ही पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। उसके अगर मैं बात करूं झारखंड में, तो 1590, मध्य प्रदेश के जो मेरे भाई और बहन हैं उनके लिए 1841 पोस्ट है। दैट्स वेल एंड गुड फॉर यू, तो आप इसमें फॉर्म फिलअप करो, मेरिट बनेगी। कुछ लोगों का हो सकता है वेटिंग लिस्ट में रहे, केरला में 2462। उसके बाद पंजाब की मैं बात करूं तो 766, महाराष्ट्र में 2508, नॉर्थ ईस्टर्न में 551, उड़ीसा में 1382, कर्नाटका में 3036 वैकेंसीज है। उसके बाद मैं अगर बात करूं तमिलनाडु में 3167 और तेलंगाना में 1266। पोस्ट तो बहुत अच्छी हैं तेलंगाना और तमिलनाडु में, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ लोकल लैंग्वेज चलती है, वो तमिल और तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, तो उसमें आप कर नहीं पाओगे। गुजरात की अगर बात करूं तो 2017 वैकेंसी हैं, वेस्ट बंगाल में 2127 और आंध्र प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो 2480 पोस्ट हैं। अब मैं आप लोगों से बताने वाला हूं इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं उसको फॉलो करिएगा, आपका फॉर्म भी फिलअप हो जाएगा और आपको आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्ट भी अलॉट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म भरते टाइम आपको 2-3 प्रोसेस का ध्यान रखना है। पहला तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो आप आराम से अपने फ़ोन या लैपटॉप से कर लोगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा जिसको हम रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं, उसको आपको रखना है और डेट ऑफ बर्थ के साथ लॉगिन करके एप्लीकेशन में जाना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एंटर करोगे और सबमिट करोगे तो आप उस पोर्टल में रजिस्टर्ड हो जाओगे। आपको अपनी 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड का प्रिंट आउट दोनों साइड्स का रखना है, एक फ़ोटो रखनी है और सिग्नेचर, सब स्कैन फॉर्म में रखना है क्योंकि आपको ये सभी चीज़ें अपलोड करनी है। लास्ट में जो एक चीज़ और आपको अपलोड करनी है वो जो है डोमेसाइल, मींस अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपके डोमेसाइल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप डोमेसाइल अपने पास रखिएगा। और बाकी फॉर्म फिलिंग करते समय आप जिस स्टेट से हो, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश से हो और आप सागर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो सागर में किस किस जिले वार कितनी वैकेंसीज हैं वो आपको देखनी है और उसके बाद ही उसमें अप्लाई करना है। जहाँ कम वैकेंसीज़ हैं वहाँ पे आप ट्राई मत करिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं
तो जिन पोस्ट में 12,000 रुपये लिखा होगा उसको पहले प्रेफरेंस दीजिएगा, ताकि अगर आपका सिलेक्शन हो तो आपको इनिशियली 12,000 रुपीज़ मिले। मैंने फॉर्म फिलअप किया तो मुझे इतनी जानकारी मिली, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नया वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।